इलेक्शंस का समय चल रहा है और मार्केट में बहुत सारी खबरें प्रचलित हैं। आपको दोनों तरफ के सपोर्ट में और अगेंस्ट में आर्टिकल्स और वीडियोस मिल जाएं। तो जज कैसे करना है? द आंसर इज पार्टियों के प्लान को सुन के कि जीतने के बाद वो क्या करेंगे। अब ये नहीं है कि जो वो कह रहे हैं बिल्कुल वही वही करें, पर उससे उनका एक विजन समझ में आ जाएगा कि वो करना क्या चाहते हैं और जो वो कह रहे हैं इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो आइए देश के दो मेजर पार्टीज बीजेपी और कांग्रेस के मैनिफेस्टो को कंपेयर करें। वीडियो लंबा जरूर है पर इंपॉर्टेंट है, तो आखिरी तक देखें। इलेक्शन सीजन इन इंडिया टुडे वाज द फर्स्ट फेज ऑफ वोटिंग। बड़ी खबर लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई, ये बार ऐसे ही हम चुनाव जीतेंगे। हम ये कंपैरिजन करेंगे 8 मेजर प्लान्स के अंदर। प्लान्स रिलेटेड टू इकोनॉमी, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ एंड एजुकेशन, फॉरेन रिलेशंस, यूथ एंड वुमेन और अंडर प्रिविलेज क्लासेस के लिए वो क्या करना चाहते हैं, और आखिरी में देखेंगे कुछ अपोजिंग क्लैशिंग आइडियाज। पहले अगर हम इकोनॉमिक प्लान्स को देखें तो कांग्रेस का कहना है कि वो एक नव संकल्प इकोनॉमिक पॉलिसी लाएगी जिसे उन्होंने 3 सब पार्ट्स में डिवाइड किया है, वर्क, वेल्थ एंड वेलफेयर। वर्क के अंडर वो कहते हैं कि वो जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे बाय सपोर्टिंग एमएसएमई एंड प्राइवेट सेक्टर। टैक्स पॉलिसी को रिवैम्प करेंगे, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉज में रिफॉर्म लाएंगे, पर इसके बारे में वो कोई एज सच डिटेल्स नहीं बताया कि वो क्या रिफॉर्म्स लाएंगे। और वेल्थ के अंडर वो कहते हैं कि वो नेक्स्ट 10 साल में इंडिया के GDP को डबल कर देंगे और वेलफेयर में वो 22 करोड़ लोगों को बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर ले आएंगे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इम्प्रूव करके मैन्युफैक्चरिंग के GDP में शेयर को 14% से बढ़ाकर 20% तक लाने की बात की, जिसमें वो डिफरेंट सेक्टर्स में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देंगे। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में GST 2.0 लाने की बात की है, जिसमें वो GST काउंसिल को रीडिजाइन करने की बात करते हैं। ये हो गए कांग्रेस के इकोनॉमिक प्लान्स के कुछ मेन हाइलाइट्स। अब देखते हैं बीजेपी के इकोनॉमिक प्लान्स। बीजेपी ने क्लेम किया है कि उनके शासनकाल में इंडिया वर्ल्ड इकोनॉमी में 11th से उठ के टॉप 5 में आ चुकी है और वो आगे चल के इसे 3rd largest इकोनॉमी बनाने की बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि उनके शासन में इंडिया में इन्फ्लेशन रेट्स और फिस्कल डेफिसिट लो रहा है और वो इसे आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। फिस्कल डेफिसिट का मतलब है गवर्नमेंट के अर्निंग्स और एक्सपेंडिचर के बीच का डिफरेंस, और ये डिफरेंस पूरा किया जाता है लोन्स को लेकर, तो ये जितना कम रहे उतना अच्छा है, इसे ध्यान में रखिए, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और आगे वो इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की भी बात करते हैं और एक्सपोर्ट्स को भी फर्दर इंक्रीज किया जाएगा। अब दूसरा डिफेंस प्लान्स, जिसमें कांग्रेस का कहना है कि वो अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम को स्क्रैप कर देंगे और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के ऑफिस को एक पार्लियामेंट्री कमेटी के अंडर ले आएंगे। क्या इसका मतलब यह है कि कोई भी नेशनल सिक्योरिटी के कॉन्फिडेंशियल मिशंस भी उस पार्लियामेंट्री कमेटी के परमिशन से किए जाएंगे? ये उन्होंने क्लियरली नहीं बताया। और वो डिफेंस एक्सपेंडिचर को भी बढ़ाएंगे और इंटरनल सिक्योरिटी के मामले में वो ड्रग्स स्मगलिंग के ऊपर एक फर्म हैंड रखने की बात करते हैं और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में वुमेन के रिजर्वेशन को बढ़ाने और पुलिस फोर्सेस को मॉडर्नाइज करने की भी बात करते हैं। अब अगर हम बीजेपी के प्लान्स को देखें तो वो जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म की बात करते हैं और वो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड्स, रेलवेज और टेलीकॉम टावर्स को इंडो चाइना, इंडो पाक और इंडो म्यांमार बॉर्डर में फर्दर डेवलप करने की बात करते हैं और मॉडर्न वॉरफेयर टेक्नोलॉजी में भी इन्वेस्ट किया जाएगा। आगे इंटरनल सिक्योरिटी में वो ड्रग स्मगलिंग को ट्रैक करने में बिग डेटा एनालिटिक्स, AI, ड्रोन्स और सैटेलाइट इमेजिंग को यूज करने की बात करते हैं। तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बस एक पेज है, जिसमें वो प्रेजेंट रेलवे स्ट्रक्चर को आउटडेटेड बताते हुए उसे मॉडर्नाइज करने की बात करते हैं और रेलवेज में कवच सिस्टम को इंस्टॉल किया जाएगा और रूरल अर्बन कनेक्टिविटी को इम्प्रूव और रोड टोल सिस्टम को भी रिव्यू किया जाएगा। फिर वो पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स को इम्प्रूव करने की भी बात करते हैं और उन्होंने एक क्लेम किया है कि एक RBI रिपोर्ट के अनुसार 60% ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स आर स्टॉल्ड और डिलेड, जिसका वो तुरंत सॉल्यूशन निकालें। और अगर हम बीजेपी को देखें तो उनके मैनिफेस्टो में इंफ्रास्ट्रक्चर पे 5 पेज है, जिसमें उन्होंने ये क्लेम किया है कि उन्होंने आखिरी 10 साल में 31,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक्स का कंस्ट्रक्शन किया है और अब वो पर ईयर 5,000 किलोमीटर तक का ट्रैक्स कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और इसे वो आगे भी चालू रखेंगे। इन्होंने भी कवच सिस्टम की बात की है और एग्जिस्टिंग स्टेशंस को रीडेवलप करके उन्हें वर्ल्ड क्लास बनाने की बात की है और ये भी क्लेम किया है कि ऑलरेडी 1300 स्टेशंस का रीडेवलपमेंट हो चुका है और आगे वो और ज्यादा वंदे भारत और नमो भारत ट्रेन ऐड करने की बात करते हैं और ये भी कहते हैं कि मेट्रो नेटवर्क को एक्सपेंड किया जाएगा और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में PM ग्राम सड़क योजना को चालू रखा जाएगा और ज्यादा एक्सप्रेसवेज और रिंग रोड्स के कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। और एविएशन सेक्टर में वो इंडिया को लीडिंग एविएशन इकोसिस्टम ऑफ साउथ एशिया बनाने की बात करते हैं और PM गतिशक्ति योजना को इंटीग्रेट भी किया जाएगा। आगे वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में 6G के डेवलपमेंट और भारत नेट के जरिए रिमोट प्लेसेस में इंटरनेट प्रोवाइड करने की बात करते हैं। और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में वो ये कहते हैं कि 2047 तक इंडिया को एनर्जी इंडिपेंडेंट बनाया जाएगा, पर इसके बारे में उनके क्या स्टेप्स रहेंगे ये उन्होंने क्लियरली नहीं बताया। चौथा हेल्थ एंड एजुकेशन, कांग्रेस ने इस पे यूनिवर्सल फ्री पब्लिक हेल्थ केयर देने की बात की और ये भी कहा है कि 25 लाख तक का कैशलेस इंश्योरेंस दिया जाएगा
और हेल्थ केयर बजट को स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज करके 2028 और 29 तक 4% ऑफ टोटल बजट कर दिया जाएगा और हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज कम हॉस्पिटल खोला जाएगा। ये एक बहुत बड़ा क्लेम है। और एजुकेशन में कांग्रेस ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को चेंज करने की बात की है और कहा है कि टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसीज को फिल कर दिए जाएंगे और जितने भी स्टूडेंट्स कोविड के चलते पब्लिक एग्जाम्स नहीं दे पाए हैं उन्हें और एक चांस दिया जाएगा। ये एक बहुत अच्छी बात है। और 15 मार्च 2022 तक के सारे स्टूडेंट लोन्स को माफ कर देने की बात की है। और अगर हम बीजेपी को देखें तो उन्होंने हेल्थ सेक्टर में ये क्लेम किया है कि उनके शासन में 15 एम्स एस्टेब्लिश हुए थे और आगे और भी होंगे और मेडिकल सीट्स बढ़ाए जाएंगे और आयुष्मान भारत को एक्सपैंड करके और भी लोगों तक फ्री ट्रीटमेंट पहुंचाया जाएगा और जन औषधि केंद्र को एक्सपैंड करके और ज्यादा लोगों को अफोर्डेबल मेडिसिन दिया जाएगा और डिजीज इरेडिकेशन प्रोग्राम वगैरह की भी बात की गई है। और एजुकेशन में बीजेपी का क्लेम है कि उनके शासन में 7 IITs, 16 IIITs, 7 IIM और 15 AIIMS एस्टेब्लिश हुए हैं और आगे और भी किए जाएंगे और एग्जाम चीटिंग के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए जाएंगे और न्यू एजुकेशन पॉलिसी को और ज्यादा इंटीग्रेट किया जाएगा। अब पांचवा, फॉरेन पॉलिसी, जिसमें कांग्रेस ने प्रेजेंट गवर्नमेंट के फॉरेन पॉलिसी को इनटॉलरेट बताते हुए ये कहा है कि वो पीसफुली हर काम करेंगे, श्रीलंका, बांग्लादेश और भूटान से रिलेशंस को इम्प्रूव करेंगे और इवन चाइना को लेके उन्होंने ये कहा है कि वी विल वर्क टू रिस्टोर द स्टेटस को एंटे ऑन आवर बॉर्डर्स विद चाइना एंड टू एंश्योर दैट एरियाज वेयर बोथ आर्मीज पेट्रोल्ड इन द पास्ट आर अगेन एक्सेसिबल टू आवर सोल्जर्स। आगे उन्होंने ये भी कहा है कि एंगेजमेंट विद पाकिस्तान डिपेंड्स फंडामेंटली ऑन इट्स विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू एंड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। अब इसमें ये क्या कहना चाहते हैं ये क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है। इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर हम बीजेपी की बात को देखें तो वो कहते हैं कि वो अपना जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म को जारी रखेंगे, फर्स्ट रेस्पोंडर पॉलिसी रखेंगे यानी कि जरूरत के वक्त दूसरे देशों को पहले मदद पहुंचाना, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी अपनाएंगे, यूएन के परमानेंट मेंबर बनेंगे और इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर की भी बात की गई है और एज यूजुअल अपनी भारत फर्स्ट पॉलिसी को फॉलो किया जाएगा। अगला है बैकवर्ड क्लासेस यानी कि अंडर प्रिविलेज क्लासेस के लिए क्या किया जाएगा, जिसमें कांग्रेस का कहना है कि वो एक कास्ट सेंसस करेंगे और रिजर्वेशन को 50% से भी ज्यादा कर देंगे और एसटी पीपल के हैबिटेशन को शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर कर दिया जाएगा और सैनिटेशन वर्कर्स जिनके काम के वक्त डेथ हो गई थी उनके फैमिलीज को 30 लाख का कंपेंसेशन दिया जाए, जबकि बीजेपी ने ट्राइबल हेल्थ केयर और मुद्रा लोन्स को डबल करने की बात की है और गरीब कल्याण योजनाओं को लोएस्ट सेक्शंस तक पहुंचाने की बात की। अगला है यूथ एंड वुमेन। इस सेक्शन में कांग्रेस के कुछ ऐसे दावे हैं जिसके लिए उन्हें क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है, जैसे महालक्ष्मी स्कीम के अंडर उन्होंने हर गरीब फैमिली को 1 लाख देने की बात की है, जिसको क्रिटिसाइज करते हुए लोगों ने यह कहा है कि इतना पैसा आएगा कहां से, इससे हमारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा। और आगे कांग्रेस ने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और फीमेल रिप्रेजेंटेशन की बात भी की है और बीजेपी ने यूथ में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने की बात की है और ये कहा है कि मुद्रा लोन को डबल किया जाएगा। अब आखिरी है कुछ अपोजिंग क्लैशिंग आइडियाज, जहां बीजेपी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात की है, वहीं पे कांग्रेस ने पर्सनल लॉज की बात की है और बोला है कि वो लॉज जो पर्सनल फ्रीडम के खिलाफ है उसे रिपील कर देंगे। शायद इसका मतलब यह है कि ट्रिपल तलाक वगैरह को वापस लीगलाइज कर दिया जाएगा। और बीजेपी ने फार्मर्स के लिए एमएसपी इंक्रीज करने की बात तो की है पर उसका कोई लीगल गारंटी नहीं दिया, जबकि कांग्रेस ने लीगल गारंटी की बात की है। और कांग्रेस ने जम्मू एंड कश्मीर को स्टेटहुड देने की और लद्दाख में 6th शेड्यूल को अमेंड करने की बात की है। वैसे जम्मू एंड कश्मीर को स्टेटहुड देने की बात तो बीजेपी ने भी किया है पर ये कब करेंगे वो उन्होंने क्लियरली नहीं बताया। और बीजेपी ने CAA लाने की भी बात की है। तो ये थे दोनों के मैनिफेस्टो के कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स। उसमें और भी जोन्स हैं जैसे फार्मिंग, फिशरीज, ओल्ड एज पीपल वगैरह, जिसको आप खुद पढ़ सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में दोनों के मैनिफेस्टो के लिंक्स दे दिए हैं, तो जाइए पढ़िए और सोच समझ के वोट दीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाकी वीडियोस भी देख लीजिए।